हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र के धनिया मऊ गांव में जमीनी विवाद में की गई पत्रकार के पिता की हत्या के मामले में पुलिस ने दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से हत्या में प्रयोग की गई लाठी और डंडे बरामद किए हैं। आपको बता दें कि 15 दिसंबर को अरवल थाना इलाके के धनिया मऊ गांव के विवेक दीक्षित की जमीन के विवाद में हुई मारपीट के बाद ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में मृतक विवेक दीक्षित के बेटे ने अपने ही पड़ोस के महेश नारायण दीक्षित, विनीत दीक्षित, सुनीत दीक्षित व शोभित दीक्षित समेत 5 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया था। इस पूरे मामले की कार्रवाई के लिए एसपी अमित कुमार ने अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी त्रिगुण बिसेन व सीओ हरपालपुर राकेश वशिष्ठ को लगाया गया था। मामले का खुलासा करते हुए एएसपी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर अरवल थाना अध्यक्ष जनार्दन सिंह ने हत्या में नामजद महेश नारायण व सुनीत दीक्षित को दहिया तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया और बरामद कर लिया है। इनके पास से हत्या में प्रयुक्त लाठी व डंडा भी बरामद किया गया है। एएसपी ने बताया कि सभी को जेल भेज दिया गया है। वहीं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की एक खास रिपोर्ट। अरवल क्षेत्र में एक ग्राम पड़ता है धनिया मऊ, वहाँ पर रास्ता जो निकास का है गाँव में, उसमें जो है इसमें दो पक्षों में विवाद था, जो कि दोनों पक्ष जो है आपस में सगे रिश्तेदार भी थे। उनमें आपस में जो है 14-12 को जो है मारपीट हुई थी। उसमें जो एक घायल व्यक्ति थे विवेक दीक्षित, उनकी जो है लखनऊ में मृत्यु हो गई। तो बाद में जो है इसको हत्या के आरोप में इस मुकदमे को जो है बदला गया और इसमें इन दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम है सुनीत दीक्षित व महेश नारायण। और इनके पास से जो मारपीट में जो डंडे इस्तेमाल किए गए थे वो भी बरामद हुआ है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।